एक बार माइनक्राफ्ट की दुनिया में एक खतरनाक और अघोरी प्राणी हेरोब्राइन कहते थे। लोग उसके बारे में कई कहानियां सुनते थे जिसमें उससे डरावना, शैतानी और प्रलयकारी रूप में दिखाया जाता था। लेकिन कुछ लोग उसकी असल मौत को झूठा कहते थे। एक दिन एक बहुत हिम्मत वाला खिलाड़ी स्टीव ने फैसला किया कि वो हेरोब्राइन की कहानी का सच जानेगा। उसने अपने दोस्त एलेक्स को भी साथ ले लिया और दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। स्टीव और एलेक्स ने अंधेरे जंगलों, खुदाई की जमीनों और लंबी गुफाओं से गुजरते ह्यू हेरोब्राइन की खोज शुरू की। लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, पर अन दोनों ने उनकी आवाजों को सुना ही नहीं। दिन बीतने पर स्टीव और एलेक्स एक पुराने छोटे से मोहल्ले में पहुंचे जिसे लॉग हेरोब्राइन का घर कहते थे। वहां पर अंधेरे में वो एक पलंग पर सोते हुए पाए गए। हौसला न हारते हुए स्टीव और एलेक्स ने हेरोब्राइन के पास जाना शुरू किया। वो धीरे धीरे पास आते गए और जब अनहोन हेरोब्राइन का चेहरा देखा तो वे हमेशा की तरह डर से कपने लग गए। पर हेरोब्राइन ने उन्हें डराने की बजाय मुस्कुराहट से देखा और बोला, तुम मेरे असल वजूद के पीछे क्यों भाग रहे हो? मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया नहीं। स्टीव और एलेक्स ने हैरानी से उन्हें देखा और सवाल किया, लेकिन हमें तो लोग डराते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत डरावना हो। हेरोब्राइन मुस्कुराकर बोला, ये सब सिर्फ अफसाने हैं। लोगों ने मेरे प्रति डर की कहानियां बनाई है, लेकिन सच ये है कि मैं एक अकेले रहने वाला अघोरी प्राणी हूँ। मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुँचना नहीं है। स्टीव और एलेक्स ने धीरे से समझा और उनकी बातों से हेरोब्राइन को समझ आया कि लोग उसके बारे में गलत तरीके से सोच रहे थे। वे लोगों की भयानक कहानियों का नतीजा था। इस प्रकार स्टीव, एलेक्स और हेरोब्राइन ने दोस्ती की शुरुआत की। वे साथ मिलकर माइनक्राफ्ट की दुनिया में इंसानियतों की मदद करते रहे और लोगों को सही राह दिखाते रहे। ये कहानी हमें ये सिख देती है कि हमेशा किसी व्यक्ति या प्राणी के बारे में सच्चाई जाने उससे पहले उनके बारे में गलत सोचने के बजाय, क्योंकि सच्चाई पता चलने पर हमें नए दोस्तियां मिल सकती है और हमें असल जिंदगी के साथ गुजरना है। थैंक यू।